नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष श्रीवास्तव। जय जवान जय किसान के नारे अक्सर सुने होंगे, लेकिन कई मौके ऐसे होते हैं जब किसान और जवान आमने सामने होते हैं। किसानों ने वादा किया था कि वो गणतंत्र दिवस पर उसी रूट पर परेड निकालेंगे जो पुलिस और किसानों से मिलकर तय किया, लेकिन वादे को तोड़ते हुए किसान तय रूट आनंद विहार से अफसरा बॉर्डर जाने के बजाय ट्रैक्टर रैली अक्षरधाम की ओर से जाने लगी। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आनंद विहार गोल चक्कर पर दो अलग अलग जगह बैरिकेड लगाए हुए थे। किसानों ने ट्रैक्टर से पहले एक बैरिकेड को तोड़ा। किसानों का हुजूम देखकर पुरुष पुलिसकर्मी एक बार फिर को पीछे हट गए। दूसरी जगह का बैरिकेड तोड़ पाते तभी इंस्पेक्टर पुष्पलता और सुमन कुशवाहा भीड़ को साइड करते हुए आगे आई और एक ट्रैक्टर के बोनट पर लटक गई। ट्रैक्टर पर चढ़े किसान दोनों पुलिसकर्मियों से कह रहे थे कि ये छोरियां साइड हो जाओ, कभी टायर के नीचे आ जाओगी। जब वो नहीं मानी तो चालक ने ट्रैक्टर तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मजबूर होकर चालक को ट्रैक्टर रोकना पड़ा। ट्रैक्टर पर चढ़े लोगों ने कहा कि वो किसान हैं, वो बैरिकेड तोड़कर संसद जाएंगे। दोनों पुलिसकर्मियों ने कहा कि वो भी एक किसान की बेटियां हैं, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। कई किसानों ने दोनों महिलाओं का हाथ पकड़कर बोनट से खींचने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मी डटी रही। महिला पुलिसकर्मियों को ये जज्बा देखकर पुरुष पुलिसकर्मी का भी खून खौल गया और वो भी दोनों महिलाओं का साथ देने पहुंच गए। वहीं महिलाओं ने अपने होते हुए बैरिकेड नहीं तोड़ने दिया। पुलिसकर्मियों की बहादुरी देखकर कई लोगों ने उनके कायल भी हो गए। बता दें, किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत दोनों महिला पुलिसकर्मियों से अपील कर रहे थे कि वो ट्रैक्टर के आगे से हट जाएं और उन्हें चोट लग सकती है, लेकिन पुलिसकर्मी ने उन्हें दो टू कह दिया कि जान क्यों चली जाए, मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगी। किसानों की उसी रूट से परेड निकालनी होगी जो पुलिस और किसानों ने मिलकर तय की थी। पुलिसकर्मियों के तेवर देखते ही टिकैत को झुकना पड़ा और उन्होंने ट्रैक्टर चालक से कहा कि वो ट्रैक्टर को बंद कर दे। उसके बाद टिकैत वहां से 9-2-11 हो गए। आपको बता दें, केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ गणतंत्र दिवस को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। एक तरफ जहां हजारों किसान दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हाथ में तिरंगा और अपने संगठन का झंडा लिए ट्रैक्टर में बैठे नजर आए, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प भी लगातार देखने को मिली। इस दौरान एक किसान की मौत हो गई और किसानों के एक समूह ने लाल किले के अंदर घुसकर सिखों के धार्मिक झंडे निशाने को साफ फरार दिया। इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ है कि 2 महीने से भी लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन का आखिर अब क्या होगा? क्या मंगलवार को हुई इस हिंसा को आधार बनाते हुए सरकार इस आंदोलन को बंद करवा देगी, या फिर किसान आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाएगा? लेकिन इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ये जानना जरूरी है कि मंगलवार को आखिर हुआ क्या था। दरअसल, किसानों की ट्रैक्टर रैली मंगलवार सुबह 9 बजे के करीब शुरू हुई। पुलिस के साथ कई दौर की बातचीत के बाद रूट तय किए गए। दोपहर 12 बजे के बाद कई जगहों से बैरिकेड तोड़े गए। तय रूट से अलग जाने की कोशिश और पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने की खबरें भी सामने आने लगी। कुछ देर बाद ऐतिहासिक लाल किले पर सिखों के धार्मिक झंडे निशान साहब को फहराने की तस्वीरें और वीडियो में भी छा गई। कुछ वीडियो में भी ये भी कहा गया कि लाल किले पर तिरंगा का अपमान करते हुए खालिस्तानी झंडा फहरा दिए हैं, लेकिन बाद में ये स्पष्ट किया गया कि लाल किले पर फहराया जाने वाला झंडा सिखों का धार्मिक झंडा निशान साहब था। पुलिस ने इसके लिए किसानों को जिम्मेदार भी ठहराया और कहा कि मंगलवार को घटना में 43 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ। पुलिस ने कम से कम 4 FIR भी दर्ज की है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने हिंसा के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ट्रैक्टर रैली के लिए वक्त और रूट कई दौर की बैठकों के बाद तय किया गया था, लेकिन किसान तय रूट के बजाय दूसरी जगह से ट्रैक्टर ले आए और वो भी तय वक्त पे निकले। इसके बाद हुए बवाल में कई पुलिस अधिकारी घायल हुए। आपको बता दें, किसान इन सब के लिए अपने कुछ भटके हुए साथियों और दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस ने कई ट्रैक्टर तोड़ दिए हैं और उन्हें उनका जुर्माना भी देना होगा। वही किसान संगठन के संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके ट्रैक्टर परेड को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की घोषणा भी कर डाली थी। इस मामले में राजनीतिक पार्टियों का भी अब बयान आने लगे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने ट्वीट कर परेड में हुई हिंसा की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में चौंकाने वाले दृश्य, कुछ तत्वों की ओर से की गई हिंसा अस्वीकार है। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे किसानों ने जो साख बनाई है, यह उसे नुकसान पहुंचाएगा। किसान नेताओं ने खुद को इससे अलग कर लिया है और ट्रैक्टर ट्रैली को लेकर रोक दिया गया है। मैं सभी वास्तविक किसानों से दिल्ली खाली करने और सीमाओं को लौटने की अपील लगातार करता हूं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और मोदी सरकार को कृषि कानून को वापस लेना चाहिए।
एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी कहा कि जिस तरह से आंदोलन को हैंडल किया गया वो अफसोसजनक है। आम आदमी पार्टी ने भी इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, वही डीएमके और ममता बनर्जी ने भी इसके लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। वही मीडिया से बातचीत करते समय किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस ने उन रास्तों पर भी बैरिकेडिंग की जिन पर ट्रैक्टर रैली की सहमति बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि एक रास्ता तो दोगे, ये एक बड़ी साजिश है। पुलिस ने जो रास्ता दिया उसी पर बैरिकेडिंग थी, जो जाहिर है किसान दूसरे रास्ते से चले गए। कुछ लोग ऐसे जरूर समझते हैं जो भी आंदोलन का हिस्सा नहीं है और तय करके आए थे कि आगे ही जाना था। हम उनको सुनिश्चित करना चाहेंगे जो एक दिन के लिए आए थे वो बिगाड़ा करते हैं। लाल किले पर जो हुआ वो गलत था, कोई धार्मिक प्रोग्राम हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कई लोग इसे दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस की नाकामी को भी करार दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए दिल्ली पुलिस की ही तारीफ कर रही है। वही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बीबीसी बस से बातचीत करते हुए कहा कि मैं दिल्ली पुलिस का अभिनंदन करूंगा जिस तरह से उन्होंने इतने उकसावे के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को संभाला है। हम पुलिस की समस्या समझना चाहिए और अगर पुलिस पहले बल प्रयोग करती तो ये किसान जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और कई राजनीतिक दल जो उसे विक्टिम कार्ड को राजनीतिक और इंटेलेक्चुअल कवर कर दे रही है उसको जरूर फायदा होता। बता दें किसान आंदोलन से जुड़े स्वराज पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जिन्होंने लाल किले पर ऐसी हरकतें की वो पहले दिन से ही आंदोलन का हिस्सा नहीं है। किसान नेता मंजीत सिंह ने बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा से बातचीत करते हुए कहा कि लाल किला पर जाने की किसी को भी योजना नहीं थी न किसी के लिए अनुमति थी। मंजीत सिंह के अनुसार कुछ लोगों को भड़काया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक बयान जारी कर कहा कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन में दाखिल कर चुके हैं और वो लगातार दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। अपने बयान में कहा कि शांति ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और इसका कोई भी उल्लंघन आंदोलन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब सवाल ये है कि किसान आंदोलन को आगे की क्या रणनीति है। मंगलवार की घटना के बाद सबसे अहम सवाल यही बना हुआ है कि अब किसान आंदोलन का आगे क्या होगा, किस तरीके से इसकी रणनीति तय होगी। क्या किसान आंदोलन से जुड़े नेता मंगलवार की घटना के बाद किसी तरह के दबाव में है और जिस तरह से इस पूरी घटना पर उनका बयान आया है उससे वो थोड़े बैकफुट पर तो जरूर आ गए हैं। वही वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती ऐसा नहीं मानती। बीबीसी से बातचीत करते उन्होंने कहा कि बहुत पारंपरिक है और बहुत ही हिम्मती लोग हैं जिन्हें लंबे अरसे तक कार्यक्रम चलाने का अनुभव है। वो बहुत साफ और सीधे तरीके से अपनी बात अपने तक रहते हुए रखते हुए कहती हैं। वो जानती हैं कि जिस प्रकार सरकारी तंत्र और मीडिया तंत्र पर सरकार का पूरा नियंत्रण है इससे पूरी बात ही भटक जाएगी और ये उनकी अक्लमंदी का सबूत है। वो तीन कानून की बात कर रही हैं ताकि पूरे किसान आंदोलन को सिर्फ लाल किले की एक घटना से ना जोड़ा जाए। बता दें कृषि कानून के मामलों की जानकार देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि वो समाज और मीडिया पूरा इल्जाम किसानों के मत्थे मरने की कोशिश कर रहा है। उनके अनुसार किसानों की अराजक तत्व या आतंकवादी कहना बिल्कुल गलत होगा। बता दें देवेंद्र शर्मा भी मानते हैं कि मंगलवार की घटना से किसानों ने अब तक जो मोराल हाईकमांड से रखा था उस पर कोई जांच नहीं हुई और अब बरकरार रही है। देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि मंगलवार की घटना से किसान बहुत दुखी हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर वो बिल्कुल स्पष्ट और अड़े हुए हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं देखा गया है। हालांकि वो कहते हैं कि किसान नेताओं को उसकी सामूहिक जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए। वो आगे कहते हैं कि जो लोग वहां बैठे हैं वो दर्द और पीड़ा को लेकर आए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वो धरने पर बैठेंगे तो उनका समाधान निकलेगा। दिल्ली सीमा पर भले ही किसान 2 महीने से बैठे हैं लेकिन पंजाब में 3-4 महीनों से मूवमेंट चल रहा है। कुछ एक कमी तो रह गई है, कोई समाधान नहीं निकल पाया। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार मंगलवार की घटना की आड़ में किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि सरकार किसी मौके का लाभ नहीं लेना चाहती, ना किसी का फायदा उठाती है। बीबीसी से बातचीत करते हुए वो कहते हैं कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहें उनका स्वागत है। हम आखिर तक प्रजातांत्रिक मूल्यों को इस भारत में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनमें विरोध करना और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन कोई ये ना कहे कि अल्पमत में रहने वाले लोगों की बात चल जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल के अनुसार भारत में 14 करोड़ किसान हैं और दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की तादाद उनकी तुलना में बहुत ज्यादा कम है। जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं तो क्या सरकार कानून की वापसी को लेकर कोई दोबारा विचार कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देवेंद्र मिश्रा कहते हैं कि सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए था और इन तीनों कानून को वापस लेना
जाना चाहिए था। बीजेपी के प्रवक्ता इससे साफ इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है सरकार ने किसानों से 11 राउंड की बातचीत की, करीब 45 घंटे की बात हुई है। 20 से ऊपर बदलाव को लिखित रूप से दिया गया है। सरकार ने इन कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव भी रखा और किसानों के साथ मिलकर कमेटी गठन करने की बात भी लगातार कर रखी है, लेकिन सरकार ने सब कुछ ठुकरा दिया और वो आगे बढ़ना चाहती है। कानून वापसी की बात करें तो जायज नहीं है, ये तो अल्पसंख्यक की राय बहुसंख्यक किसानों पर थोपना है। आपको बता दें इससे दूसरा आंदोलन खड़ा हो सकता है। 1991 के बाद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। सब बातें करते हैं लेकिन किसी में ये कानून लाने की हिम्मत नहीं थी। कभी भी सुधार करना चाहते थे तो उसके लिए राजनीतिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मोदी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, सरकार ने ये स्पष्ट मत से किया। ये कानून किसानों के हित में है और लाखों करोड़ों किसान इससे समर्थन में है। वही बता दें लेकिन सीमा चिश्ती बीजेपी प्रवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं है। वो कहती है कि एक महामारी से दुनिया जूझ रही है, भारत जूझ रहा है, उसके बीच में तीन कानून इस तरह से लाए जाते हैं, उन पर बहस नहीं होनी चाहिए, उन पर वोट नहीं होता है और उनके बिना ही किसी कमेटी के भेजे गए यू एक प्रस्ताव पर पास कर दिया जाता है। तो ये किस तरह का बहुमत है, इसकी अभी भी जरूरत क्या थी, इसको लाया क्यों जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि वो अपनी अलग रणनीति एक दो दिन में तय करेंगे। किसानों ने 1 फरवरी को बजट के दिन संसद मार्च करने की घोषणा भी की है। आपको बता दें लेकिन सीमा चिश्ती को लगता है कि शायद संसद मार्च को अब टाल दिया जाएगा और मामला को ठंडा करने की लगातार कोशिश की जाएगी, क्योंकि 26 जनवरी का जो दंगा था वो देखने को मिला। सीमा चिश्ती कहती है किसान अपने मुद्दे पर बात करना चाहेंगी और अगर सरकार चाहेगी तो मुद्दे पर बात नहीं हो सकेगी। किस तरह से इस बात को झंडे पर ही अड़ंगा बनाया गया है। मोदी सरकार के लिए अगर विशेष रूप से गृह मंत्री के लिए उनके रिकॉर्ड पर बहुत बड़ा कलंक है। वह रिपब्लिक दिवस पर भी हर जगह नाका होता है, पुलिस तैनात रहती है, सबको पता है कि किसान ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं और इतने बड़े किले की हिफाजत अगर सरकार नहीं कर पाए तो उनके लिए भी एक धक्का है। जी हाँ, उनकी छवि को क्षति पहुंची है। किसान नेताओं का अगला कदम क्या होगा उसके बारे में पूरी जानकारी कुछ घंटे में शायद मिल जाए, लेकिन इतना जरूर है कि मंगलवार की घटना के बाद उनके सामने कुछ चुनौतियां जरूर देखने को मिलेंगी। मसलन किसान आंदोलन में एकजुटता कैसे बराबर रखी जाए, आंदोलन में जो युवा वर्ग शामिल है उन्हें कैसे अनुशासन में रखा जाए और इन सब के अलावा सरकार पर कैसे दबाव रखा जाए ताकि आंदोलन कमजोर नहीं पड़े। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।